MEMA 304 CNC machines and automation. Unit 4 Constructional details of CNC machines or subunit 4.3 4.4. आज हम डिस्कस करेंगे. यूनिट 4.3 स्लाइड वेज की डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है. सीएनसी मशीन के जो स्लाइड वेज हैं उनमें क्या क्या डिज़ाइन कंसिड्रेशन होने चाहिए और किस तरीके से वो होना चाहिए वो हम डिस्कस कर चुके हैं अभी. और उसमें हम हाइड्रोस्टेटिक स्लाइड वेज और लीनियर बियरिंग विद बॉल्स एंड रोलर्स स्लाइड वेज, जिसमें टाइकोवे हम और वी एंड फ्लैट रोलर टाइप स्लाइड वेज हम देख चुके हैं. स्लाइड वेज में जो एक और टॉपिक बचा था वो है सरफेस कोटिंग्स. कई बार सीएनसी मशीन के गाइडिंग सरफेसेस को हम लो फ्रिक्शन मटेरियल की कोट करते हैं या स्ट्रिप लगाते हैं. यह लो फ्रिक्शन मटेरियल PTFE पॉली टेट्रा फ्लूरो इथाइलीन का होता है. मैं फिर बोल रहा हूँ, ये लो फ्रिक्शन मटेरियल PTFE यानी कि पॉली टेट्रा फ्लूरो इथाइलीन का होता है और इसकी स्ट्रिप्स होती हैं जो हम स्लाइडिंग सरफेसेस पे लगा देते हैं. और ये लो फ्रिक्शन मटेरियल की जो स्ट्रिप्स हैं, ये जो स्लाइडिंग सरफेस हैं उनके ऊपर एक दूसरे पे टच होके इस पे मूवमेंट होता है. ये मटेरियल बहुत लो फ्रिक्शन का होता है और इसकी वजह से जो फ्रिक्शन जनरेट होता है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है. और इसके अलोंग गाइडिंग सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं. और PTFE की रिप्लेसेबल स्ट्रिप्स हम लगाते हैं. जब बराबर मशीनिंग काम चल रहा है, मशीन ऑपरेट हो रही है, मशीन टूल काम कर रहा है, गाइडिंग सरफेस या स्लाइडिंग सरफेस एक दूसरे के अलोंग मूव हो रहे हैं तो वियर एंड टीयर के कारण ये स्ट्रिप्स घिस जाती हैं या इनका वियर हो जाता है. और जब ये वियर इतना हो जाता है कि अलाइनमेंट में एरर आने लगती है, मूवमेंट का जो अलाइनमेंट है यानी स्लाइडिंग या गाइडिंग सरफेस जो एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे हैं उनके अलाइनमेंट में जब एरर आने लगती है इस स्ट्रिप्स के वियर और टीयर होने के कारण, तो हम इन स्ट्रिप्स को रिप्लेस कर सकते हैं. यानी ये जो स्ट्रिप्स हैं ये रिप्लेसेबल होती हैं. अब हम नेक्स्ट सब यूनिट जो है हमारी 4.4 स्पिंडल, उसके बारे में हम बात करेंगे. नाउ वी विल डिस्कस सब यूनिट 4.4 अबाउट द स्पिंडल ऑफ सीएनसी मशीन्स. देखिए, सीएनसी मशीन्स बहुत हाई कटिंग स्पीड्स पर काम करती हैं और उनका मेटल रिमूविंग रेट्स भी बहुत ज़्यादा होता है. और जो स्पिंडल है वो या तो वर्कपीस को कैरी करता है या उस पर टूल लगा रहता है. और हाई कटिंग स्पीड और हाई मेटल रिमूवल रेट्स होने के कारण उस स्पिंडल पे डिफ्लेक्शन और थ्रस्ट फोर्सेस लगते हैं, जनरेट होते हैं. तो जो स्पिंडल है वो इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए कि वो डिफ्लेक्शन और थ्रस्ट फोर्सेस को
रजिस्ट कर सके। स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, स्पिंडल की स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए और टॉर्जनल स्ट्रेन को मिनिमाइज कम से कम करने के लिए मशीन सीएनसी मशीन के स्पिंडल को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वो लंबाई में शॉर्ट हो, कम हो, स्टिफ हो और फाइनल ड्राइव जो है स्पिंडल को जो ड्राइव मिल रही है, जो फाइनल ड्राइव है उस स्पिंडल की, वो उसके फ्रंट बियरिंग के जितना नज़दीक पॉसिबल हो सके वहाँ पे हो। तो डिफ्लेक्शन और थ्रस्ट फोर्सेस को सीएनसी मशीन के स्पिंडल पे जो डिफ्लेक्शन और थ्रस्ट फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं उसके कारण उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करना और टॉर्जनल स्ट्रेंथ को मिनिमम करने के लिए हम मशीन स्पिंडल को इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि वो शॉर्ट हो, यानी कि उसकी लंबाई कम हो, स्टिफ हो और जो स्पिंडल की फाइनल ड्राइव है वो उसके फ्रंट बियरिंग के जितना नज़दीक हम लगा सकते हैं, हम दे सकते हैं, हमें देनी चाहिए। तो इनके कारण स्पिंडल की स्टेबिलिटी भी बढ़ती है और टॉर्जनल स्ट्रेन भी मिनिमम हो जाती है। देखिए, जब हम किसी चीज़ को स्पिंडल की अगर हम लंबाई को कम कर रहे हैं तो जो एक कैंटिलीवर की तरह स्पिंडल जितनी लंबाई बढ़ेगी स्पिंडल की, वो कैंटिलीवर बीम की तरह डिफ्लेक्ट होगा। तो अगर हम देखते हैं कि जैसे जैसे कैंटिलीवर बीम की लंबाई बढ़ती जाती है, ओवरहैंग बढ़ता जाता है कैंटिलीवर बीम में, तो उसमें डिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो सेम बात स्पिंडल सीएनसी मशीन के स्पिंडल के लिए भी होगी। तो इसलिए हम सीएनसी मशीन के स्पिंडल को जितना शॉर्ट कर सकते हैं हम उतना डिज़ाइन में उसको शॉर्ट कर देते हैं। इसके बाद जो रोटेशनल एक्यूरेसी है स्पिंडल की, वो बियरिंग्स की क्वालिटी और उसके डिज़ाइन पर निर्भर करती है। मतलब रोटेट हो रहा है स्पिंडल, कंटिन्यूस रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, तो जो रोटेशनल एक्यूरेसी है स्पिंडल की वो बियरिंग की क्वालिटी और बियरिंग के डिज़ाइन पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे जब हम देख चुके हैं कि सीएनसी मशीन में कटिंग स्पीड्स ज़्यादा होती हैं, लोड ज़्यादा आता है, हम डेप्थ ऑफ कट भी ज़्यादा दे सकते हैं, तो इन कारणों से बॉल या रोलर बियरिंग्स मोस्ट सूटेबल होती हैं, जिससे कि रोटेशनल एक्यूरेसी स्पिंडल की, सीएनसी मशीन के स्पिंडल की बनी रहे। यानी कि बॉल और रोलिंग रोलर बियरिंग्स ये हाई स्पीड और हाई लोड्स के लिए उस स्पिंडल की रोटेशनल एक्यूरेसी बनाने के लिए समर्थ होती हैं या काम कर सकती हैं। इसके अलावा जो बॉल और रोलर बियरिंग हैं उनमें लो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन बहुत कम होता है, लोअर वियर रेट होती है और इनकरेक्ट एडजस्टमेंट की लेसर लायबिलिटी होती है। और एक और जो फ़ायदा होता है रोलर या बॉल बियरिंग का कि हम इनको आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि जब हमारी बियरिंग वियर हो गई, बॉल बियरिंग या रोलर बियरिंग, तो उसको रिप्लेस करना इजी होता है। तो इस कारण के रोटेशनल एक्यूरेसी बनी रहे या वो मेंटेन रहे, इसके लिए सीएनसी मशीन्स के स्पिंडल पर बॉल या रोलर बियरिंग हम काम में लेते हैं और इसकी वजह से फ्रिक्शन भी कम होता है, वियर रेट भी कम होती है और इनकरेक्ट एडजस्टमेंट की लेसर लायबिलिटी रह जाती है। इसके लिए जो बियरिंग्स हम काम में लेंगे, मतलब हमें रोटेशनल एक्यूरेसी भी चाहिए और हमें एफिशिएंट सर्विस भी चाहिए, तो बियरिंग्स जो हैं वो बहुत हाई क्वालिटी की हमें लेनी होती हैं। इसके बाद स्पिंडल में वाइब्रेशन, जब वो रोटेट कर रहा है तो वाइब्रेशन और नॉइज़ भी जनरेट होती है, तो स्पिंडल की नॉइज़ और वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए हम टूथ हेड बेल्ट्स और एक्यूरेट और बैलेंस्ड गियर काम में लेते हैं। देखिए, टूथ हेड बेल्ट
थियोरी ऑफ मशीन में आप पढ़ चुके होंगे या पढ़ेंगे, वो क्या होता है, एक बेल्ट होती है और उस बेल्ट के अंदर हम टूथ लगे हुए होते हैं, तो इसकी वजह से स्लिप, जो बेल्ट स्लिप है वो बहुत ही कम हो जाता है, जर्क्स नहीं होती। और स्लिप की जो प्रॉब्लम है, बेल्ट के स्लिप की जो प्रॉब्लम है, फिनोमिना है, स्लिप फिनोमिना, वो बिल्कुल कम हो जाता है या एक तरीके से नहीं रहता है। तो हमें जब CNC मशीन के स्पिंडल के वाइब्रेशंस और नॉइस को कंट्रोल करना है, नहीं आने देना है, तो इसके लिए टूथ हेड बेल्ट्स और एक्यूरेट और बैलेंस्ड गियर हम काम में लेते हैं। देखिए, जो गियर्स उसके अंदर काम में ले रहे हैं आप CNC मशीन के, अगर वो गियर्स प्रॉपर बैलेंस नहीं हैं तो उसकी वजह से भी रोटेशनल एक्यूरेसी उस स्पिंडल की वो मेंटेन नहीं होगी। तो हमें बिल्कुल एक्यूरेट और बैलेंस गियर हम इसमें काम में लेते हैं। इसके अलावा एडुकेट सप्लाई ऑफ लुब्रिकेंट्स, वो बराबर स्पिंडल बियरिंग्स पे होती रहनी चाहिए। जिस भी तरह का हमें लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना है, जो स्पेसिफाइड लुब्रिकेंट ऑयल है या कोई और चीज़ के थ्रू हमें लुब्रिकेशन मींस देने हैं, वो एडुकेट सप्लाई बराबर बियरिंग्स पे रहनी चाहिए, यानी कि बियरिंग्स ड्राई रन नहीं करनी चाहिए। ये जो टॉपिक था वो स्पिंडल डिज़ाइन ऑफ CNC मशीन टूल्स।